फ्रेंड अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अब्दुलरहमान की जो है वो सॉरी अब्दुलरहमान के आने वाले भाई या बहन की शॉपिंग करने लगे हैं हम। तो मामा लैब से मैंने शॉपिंग की थी और इधर मैं इसलिए से आई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी, इसलिए इस शॉप पे मैं आई जहाँ पे मुझे सारा कुछ जो है वो एक ही जगह पे आराम से मिल जाएगा। तो हमारे नज़दीक जो मामा लव की ये शॉप है इस पे ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमें आराम से और मतलब एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने सारी नज़र घुमाई कि मैं कहाँ से कपड़े लेना स्टार्ट करूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ मैं भी मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने मतलब एडमिट कर लिया था, ड्रिप वगैरह लगी थी, कोई उन्हें मसला नज़र आया, कुछ टेस्ट ठीक नहीं थे आए तो उन्होंने उसकी वजह से एडमिट कर लिया था। तो फिर ड्रिप वगैरह लगी और सारा कुछ जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ना ख़राब रही, और मुझे ये काफ़ी टेंशन लगी हुई थी कि मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की। तो इसीलिए हम चले गए शॉपिंग करने के लिए, हम लेके आए हैं, लेके आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब थी तो जूस वगैरह साथ साथ पी रही थी ताकि हिम्मत रहे, ठीक है ना, हिम्मत रहेगी तो सब कुछ ही होगा। और ये जिस एरिया में आप खड़ी हैं, इस एरिया में इनकी तमाम जो हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं ना बेबी के लिए, कैप्स हो गई, वेस्ट हो गई और बूटीज़, मिटन्स, सब कुछ जो है वो इस एरिया में, जो हैंकीज़ हैं बेबी की और रैपिंग शीट्स हैं सारी कुछ जो है ना वो इस एरिया में मौजूद था। तो बंदे को फिर जो है ना ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, अपनी मर्ज़ी से आपको जो जो चीज़ पसंद आ रही है वो आप लेते जाएँ। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये उन्होंने ड्रिप लगाई थी तो वो उसकी वजह से जो है ना इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह से हो गया था बस। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो जो मुझे पसंद आ रही हैं मैं निकाल के रखती जा रही हूँ, ठीक है, और हम ये जो जो हमें पसंद आएगा वो फिर एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि जब मैंने ऑलमोस्ट इतनी सी अभी शॉपिंग की थी तो इधर से जनाब एक आदमी निकल के आ गया, कहता है कि जनाब जो आपने क्या कहते हैं वीडियो बना रहे हैं ना, ये ना बनाए, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाई मेरा चैनल है मैं उसके लिए बना रही हूँ। नहीं जी, यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैं कहा अच्छा पाजी, नहीं बनाते हम वीडियो, हम घर जा के बना लेंगे क्या क्या हमने ख़रीदा है। अच्छा, इधर कुछ चीज़ें ना हरी तरीक के साइड पर रख दी थी, बाद में जब हम देखने लगे तो पता चला कि इनमें से जो चीज़ें हमने साइड पे रख दी थी वो उधर ही पड़ी रह गई हैं, जिनमें मुझे ये सॉक्स देख के आया कि याद आया कि सॉक्स भी थी और भी काफ़ी चीज़ें थी। फिर जो जो मिली वो हमने दोबारा से रख ली, जो रह गई वो रह गई। और इधर अब्दुलरहमान को पसंद आ गए थे अपने लिए लाइटिंग वाले शूज़, तो अब्दुलरहमान को ये था कि मुझे अब मामा मेरी भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, तो फिर हमने अब्दुलरहमान के लिए ख़रीदे यहाँ से शूज़। तो कैसे लग रहे हैं अब्दुलरहमान के शूज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जो है वो न्यू बॉर्न बेबी की क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं और क्या क्या नहीं ख़रीदी। तो आप देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से फर्स्ट डे कौन सा हम ड्रेस यूज़ करें और सेकंड डे और थर्ड डे कौन सा ड्रेस जो है ना वो हम होना चाहिए ना। तो अभी कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, कुछ आपको पता आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है इंसान मज़ीद ख़रीद लेता है। तो यहाँ मैंने जो जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टोपी भी है, मुझे करीब से दिखाओ कितना मजे का स्टफ है इसका ना, तो इसके स्टफ की वजह से ये वाला ड्रेस मैंने इसका खरीदा है। इसका फिर किसका काका या काकी का, ठीक है, कितना क्यूट है। इसके बाद ये इसके साथ शर्ट है और एक इसके साथ पजामा है, और एक इसके साथ ये शूज वाला जो है ना ये पजामा ये भी है, ठीक है, रोली फेंकेगा तो काका, ठीक है। तो ये जनाब हो गया इसका,
एक सूट ये हो गया इसका, इसके साथ ये फाइव सेट का, फाइव पीस का सेट है। इसमें चाहिए शर्ट, ये दो, और लेगिन है या पजामा है क्या है वो, और ये बिब, और ये टोपी। इसके साथ ही अब जनाब ये दूसरा वाला इसका ड्रेस है ये, ठीक है, ये है लड़कियों वाला। आप क्योंकि अभी पता कोई नहीं है लड़की है बॉय है या गर्ल, तो अगर अभी भी गर्ल होगी तो उसे फर्स्ट ये ड्रेस पहना देंगे। क्या ख्याल है आपका, कौन सा ड्रेस पहनाना चाहिए मुझे बताइएगा। इसके साथ भी ये बिब है, ठीक है, और ये कैप है बहुत खूबसूरत सी, और इसका सब भी अनमोल, करीब से दिखाओ, ये करीब से दिखाएंगे, बहुत ही मजे का जो है ना इसका स्टफ है। सर्दियों के बाद सारे कपड़े सर्दियों वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये इसका जमा की तकिया उठ सा, और ये इसकी लगे, ठीक है ना, इसके नीचे से तो अगर बेबी गर्ल होगी तो ये वाला ड्रेस चूज कर इंशाल्लाह। तो अगर बॉय होगा, अभी क्योंकि पता नहीं था गर्ल है या बॉय, होंगे शॉपिंग इसके हाथ से जो है किया है, ड्रेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है ना। और एक ये ड्रेस है, ठीक है, इसके साथ इसी तरह ये पजामा है इसका, और ये अगर आप टच करके देखे ना बड़े मजे का इसका जो स्टॉक है, लेकिन आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ इसको अभी आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न स्टाइल में ये बना हुआ है, इसमें आप बेबी को रैप भी कर सकते हैं, और इसे एसी ब्लैंकेट भी कहते हैं। काफी अच्छा इसका साइज है, मैंने इसको पूरा जो है ना वो अभी खोला नहीं है, मैंने कहा हैंड में हुआ हुआ तो इसी तरह ले, तो ये सही इसकी मतलब लंबाई वगैरह भी सही है, और खुल के भी जो है ना इसकी कढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा हाँसी मतलब इसकी चुड़ाई भी काफी ज्यादा है, अभी तक हमने इसको खोला नहीं है, इसको पैक ही रहने देते हैं, जो है वो आवा तो सही है इसी तरह, है ना, ये निकाल देते हैं अंदर से। ये इसका इस तरह से, तो एक क्रैक्टर रैपिंग के लिए मुझे क्रैक्टर का चाहिए था, तो ज्यादा लाइट कलर नहीं है आजकल, इसके अलावा ये ब्रश है, ये वॉश करने के लिए, तो मैं हमेशा ब्रश वो वाला लेती हूँ जिसके आगे ये जरूर हो, मतलब आजकल ब्रश आ रहे हैं जिनके इस तरह से ये ना आगे से इस तरह, तो क्योंकि उसकी ना नीचे वाली साइड नहीं साफ होती फीडर की ना, जो बेसमेंट है उसकी वो नहीं क्लीन होती, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है मैं वो ब्रशेज लूं जिनसे ये नीचे वाली जो उनकी जो है ना ये चीज मौजूद हो, तो ये मुझे नजर आया तो मैंने फौरन ले ली, तो अब्दुलरहमान के लिए जब मैं लेती हूँ तो ये लेती हूँ, तो ये इसकी निपल क्लीन करने आना, ये भी करीब से दिखा दो, ये अभी किचन में रख लेती हूँ, ये पहले भी हमारे पास है ना, छोटू का फीडर कितना क्यूट है आगे से। तो पसंद आया आपको ये? यस, बोल भी जब छोटी थी तो भी इसी तरह के फीडो में डुबी थी, उसके अलावा ये कुछ चीजें हैं ये हमने रखी है, ये हेड टू टो शैम्पू है, ठीक है, आप इसको सर से लेके पाउंड तक ये बेबी को यूज करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑयल, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके बाद ये हमारा लोशन हो गया, लोशन मैंने एक ये वाला भी खरीदा है और दूसरा जो दूसरी कंपनी का भी लोशन, ठीक है,
शॉपिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।